गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज रात से चारों तरफ आसमान पे बादल ही बादल छाए हुए हैं और रात से बारिश हो ही जा रही है कंटिन्यूसली। तो अभी मैं अपनी छत पे आया हूँ, ये देखें छत भी सारी गीली हुई पड़ी है। अभी मैं अपनी छत पे आया हूँ और अपनी बकरियों को अभी घास डालूँगा, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए चलते हैं बकरियों के शेड के अंदर। तो गाइज़ ये देखें हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे ये देखें नीचे से कितना गंद लगा पड़ा है। तो हम पहले थोड़ी सी सफाई कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी बकरियों को चारा डालेंगे। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये है बकरी और ये है बकरा। और ये इनके बीच में ये जो नमक लटका हुआ है ये मैंने इसीलिए लटकाया है क्योंकि ये बकरियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्री टाइम में बकरियां इसको चाटती रहती हैं और ये बहुत ही मुफीद है बकरियों के लिए। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर देते हैं और बकरियों को घास डालते हैं। तो गाइस ये देखें, ये हमने वाइपर लिया है और वाइपर से हम कचरे को साफ़ करेंगे। ये देखें थोड़ा सा इधर करेंगे, यहाँ पे हम अपनी बकरियों को घास डालेंगे। तो चलिए ये साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखें, ये हमने थोड़ी सी जगह साफ़ कर दी और यहाँ पे हम घास डालेंगे अपनी बकरियों को। तो देख सकते हैं इस बोरे में घास है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें। तो चलिए ये हम अपनी बकरियों को डालते हैं। ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि ये खा के ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे, ऐसे जो हमारा घास है वो गंदा नहीं होगा। ये देखें किस तरह फेंक रहे हैं, ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम। तो गाइस आप देख सकते हैं ये घास मैंने अपनी बकरियों को डाल दिया है, मैंने अभी इसी वजह से थोड़ा डाला है ताकि ये खा के ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही दूसरा डालेंगे वरना ऐसे ज़्यान कर देती हैं। तो ये मैंने कुछ यहाँ से तोड़ लिए हैं पत्ते इसके घास के और ये अभी मैं अपने मोर को डालूंगा। और इस टोकरे के नीचे मैंने अपना मोर बंद किया हुआ है, रात को हम इस टोकरे के नीचे ही बंद करते हैं। तो ये देखें, ये देखें, ये अभी खाएगा, ये देखें। सकते हैं कि बारिश हो गई है तेज़। उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आप सबको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।